हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीकोड एग्जाम डिफेंस। गाइस, जैसा आप जानते हैं कि हमारी मैथ्स के सेशन रेगुलरली चल रहे हैं। यस, इट माइट बी पॉसिबल कि एक दो दिन का गैप हो जाए, बट रिमेंबर जो आपको यहां पर मिल रहा है वो एकदम क्वालिटी है, ठीक है? क्योंकि हम एक एक टॉपिक पकड़कर आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर रहे हैं, ठीक है? Definitely, we will definitely launch our paid courses, but stay tuned for that. We will definitely inform you in the coming couple of weeks. Okay? We will have a surprise package for you in the coming couple of weeks. And it will be beneficial for all of you. Whether we are talking about NDA exam, Air Force exam, CDS exam, Navy exam, anything. Okay? So guys, आज का जो session है आपका 2D के ऊपर है, ओके, टू डायमेंशनल ज्योमेट्री के ऊपर। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले कार्टेशियन सिस्टम की, ओके, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्ट्रेट लाइन, इन दोनों की हम बात करेंगे, ठीक है? इनमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। मोस्टली यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से बात होगी। तो जब हम कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे तो हमें पता है कि एक्स अक्षांश और वाई अक्षांश, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात करेंगे। आप सभी को पता है ये ओरिजिन से होकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, यानी प्रतिच्छेद करते हैं। जब ओरिजिन से करेंगे तो जाहिर सी बात है जीरो के एक साइड आपको पॉजिटिव नंबर मिलेगा और एक साइड आपको नेगेटिव नंबर मिलेगा, और ये दोनों जगह पर है। अच्छा, ये एक दूसरे को करते हैं किस तरीके से प्रतिच्छेद? परपेंडिकुलरली, ठीक है? तो जाहिर सी बात है एक दूसरे के ये एक हॉरिजॉन्टल भी होंगे और परपेंडिकुलर भी होंगे। तो देखिए, एक्स को अगर आप हॉरिजॉन्टल माने तो एक्स के राइट साइड आपके पॉजिटिव नंबर्स होंगे और लेफ्ट साइड आपके नेगेटिव नंबर्स होंगे। सिमिलरली y के अपर पार्ट में, यानी x के अपर पार्ट में जो y है उसमें पॉजिटिव और बिलो पे नेगेटिव। तो ये आपके चार क्वाड्रेंट्स हैं, चार क्वाड्रेंट्स जिसमें पहले क्वाड्रेंट में सभी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, यानी x की और y की पॉजिटिव। लेकिन जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो x नेगेटिव हो जाएगा, y अभी भी पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट ऐसा है जिसके अंदर दोनों वैल्यूज नेगेटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट ऐसा है जिसमें y नेगेटिव है और x पॉजिटिव है, ठीक है? इसे करेक्ट कर लीजिए, y नेगेटिव है और x पॉजिटिव। ओहो सॉरी, जल्दी में ओके। तो ये आपके क्वाड्रेंट है। अब ये एंगल वाइज देखें तो 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। एंगुलर फॉर्म्स की जब हम बात करते हैं तो वो ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं, ठीक है? तो फिलहाल के लिए आई होप आप सभी को पता होगा। अगर यहां पर हम कोई दो पॉइंट्स चूज करना चाहें तो सपोज करिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो अगर हम देखें यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, तो अगर मान लीजिए ये पॉइंट चूज करें तो आप देखें यहां पे 2x का है और 3 आपका y का है, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा? 2, 3, ठीक है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उनमें क्या, कितने सवाल कहां से पूछे जाते हैं और कौन सी प्रॉपर्टी मोस्टली यूज की जाती है। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होगा किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की दूरी, जैसे सपोज कर लीजिए x1 और y1 और x2 और y2 के बीच की दूरी अगर हमें निकालनी तो हमें यह फॉर्मूला लगाना है। तो ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना होगा। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? सपोज कर लिए इसी लाइन को अगर हम m अनुपात n में अगर हम क्या करें, बांट दें, तो अब हमें क्या करना होगा? देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, तो इसका हमें कोऑर्डिनेट चाहिए, तो हम क्या करेंगे? वो दिया हुआ है mx2 + nx1 / m + n my2 + ny1 / m + n। ये ध्यान में रखेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ये इंटरनली है, एक्सटर्नली में ये प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। चलते हैं आगे। सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल, यानी अगर ये कोई ट्राइंगल है तो भाई जाहिर सी बात है ट्राइंगल के तीन शीर्ष होंगे। कोऑर्डिनेट्स पे अगर अक्षांश पे बने हैं तो ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है? अब अगर हम सेंट्रोइड देखें तो जाहिर सी बात है एकदम बीच में कहीं पर होगा, ठीक? तो वो सेंट्रोइड को निकालने का फॉर्मूला है तीनों के x अक्षांश, तीनों के y अक्षांश को जोड़ के उसका एवरेज निकाल लेना, ठीक है? तो ये बात ध्यान में रखिएगा। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जब आपसे पूछे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल आपको निकालना होगा। किस तरीके से करेंगे? अब देखिए यहां पे एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर निकालना पड़े तो हम लगाएंगे एरिया इज इक्वल टू 1/2 x1 y2 - y3
x2y3 - y1 x3y1 - y2, ठीक है, ये आपका जो है डिटर्मिनेंट से भी सॉल्व हो जाता है। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं पहले सवाल की तरफ। देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं और उनको आपको समझना होता है। इंपॉर्टेंट सवाल से मेरा मतलब है कि आपको यह ध्यान में रखना होता है कि वो सवाल सिंगल डायमेंशन है कि टू डायमेंशन है, मतलब मर्ज करके भी बनाया जाता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस क्लास में, हम मर्ज किए हुए सवालों को जरूर देखेंगे। जैसे अगर हम यहां पर देखें तो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन x + y - 3x + y - 4 or x + 3y - 4 = 0 फॉर्म अ ट्राइंगल। अब ये कौन सा ट्राइंगल बना रहे हैं ये चीज हमको जाननी है। तो अब आपके सामने कैसे, तो हम क्या करें, एंगल निकालें। अब आपको पता है एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2, यही होता है। तो चलिए हम तीनों लाइन के स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप निकालने का तरीका क्या है, y इज इक्वल टू m x + c का फॉर्म बनाएं। अब पहली इक्वेशन में बनाएं y इज इक्वल टू -x + 4, दूसरी इक्वेशन में बनाए y इज इक्वल टू -3x + 4 और तीसरी इक्वेशन में बनाए y इज इक्वल टू -x/3 + 4/3। तो यहां पर देखिए m1 आपको मिला, देखिए हम एक एक करके हम सब निकाल रहे हैं। m1 अगर आप देखें तो m1 आपको मिलेगा -1, m2 आपको मिलेगा -3, m3 आपको मिलेगा -1/3। रख दीजिए एक एक करके, tan थीटा 1, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 निकालिए। देखिए काम बन जाएगा आपका। मैं कुछ चीजें इरेज कर दूं क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी हो गई। तो देखिए यहां पे m1 - m2 अगर हम यहां पर देखें -1 + 3 डिवाइडेड बाय 1 + -1, सॉरी ये प्लस दिखने लगा ना, -1 और -3, ये आपका क्या बनेगा, 2/4 यानी 1/2। तो पहला मिला, ठीक। दूसरा इसी तरीके से निकालते हैं। देखिए ये बात ध्यान से रखिए, इतना लिखने की जरूरत नहीं, आपको दिमाग में चलना चाहिए और डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि फॉर्मूला क्या होगा। तो ये आपका थीटा 1 tan, अब हम बात कर लेते हैं tan थीटा 2 की। तो देखिए यहां पे आपका बनेगा क्या, m2 - m3 हो जाएगा, भाई जाहिर सी बात है m2 - m3 का मतलब है -3 + 1/3 डिवाइडेड बाय 1 + 3 × 1/3। मैंने माइनस माइनस को क्या कर दिया, पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां पे देखिए -9 और आपका हो जाएगा -9 + 1 यानी माइनस आया, माइनस की जगह तो प्लस हो जाएगा सब, 8/6 यानी 4/3। अब tan थीटा 3 निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए m3 - m1, ऑलराइट, m3 - m1, देखिए -1/3 + 1, ठीक, और यहां पर आपका हो जाएगा 1 + 1/3। तो जरा गौर से देखिए, ये आपका कितना हो रहा है, ये आपका हो रहा है 2/3 और ये कितना हो रहा है 4/3, तो ये कितना हुआ 1/2। तो आप गौर से देखिए, एंगल थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 ये दोनों सेम है। इसका मतलब है, इसका मतलब है कि ये दो जब एंगल सेम होते हैं तो वो कौन सा बनाता है, आइसोस्केल ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। दो एंगल किसी ट्राइंगल के सेम हो तो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ऑलराइट, तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। देखिए इतना बड़ा आपको करना नहीं है, आपको बस ये तुरंत तीन वैल्यूज निकाल कर सॉल्व कर लेना है एंड यू विल हैव अ क्लियर आंसर। इज दैट क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सवाल की तरफ और देखते हैं कि अगला सवाल क्या होगा। ये सवाल देखिए, ये कह रहा है द लाइंस दीज आर कॉन्करेंट। अच्छा, कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए। जब तीनों लाइन कॉन्करेंट है इसका मतलब एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में है इसका मतलब है उनका एरिया क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। जब एरिया शून्य होगा तो हम उसका निकाल सकते हैं एरिया, आप डिटर्मिनेंट के तौर पे सबको क्या कर लेना है, ax + by + c के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है।
एंड यू हैव अ क्लियर आंसर। देखिए यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे फोर, यहां पर आप देखें तो वन, और यहां पर आप देखें तो बी, मिल गया। अब वाई की बारी आई, वाई तीन, यहां पे माइनस वन, और यहां पर आपका बी, सॉरी बी नहीं, फाइव होगा, ठीक है फाइव, और यहां पर आपका क्या होगा, देखिए यहां पे, यहां पर आप देखिए बहुत ध्यान से, माइनस वन प्लस पांच, ठीक है, और माइनस तीन इज इक्वल टू जीरो, लगा दीजिए इजीली सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखिए चार, तीन माइनस पच्चीस, ठीक, तीन माइनस तीन और माइनस फाइव बी, और यहां पर आपका होगा माइनस वन, यहां पे क्या आएगा फाइव प्लस बी, बस इजी है। अब सॉल्व करना है आपको, देखिए ये हो जाएगा कितना, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। तो आपके अगर इसे सॉल्व करेंगे तो बी की वैल्यू यहां पर कितनी आएगी, छह आएगी। आई होप ऑप्शन सी आपका करेक्ट आ रहा होगा, मैंने सॉल्व नहीं किया, ये इजी है, सॉल्व करना आपका काम। तो यहां पर देखें अगर आपको ये पता हो एरिया निकालना कैसे है तो इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये एक और तरीका है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का, देखिए सिंपल है, कॉन्करेंट का मतलब तीनों एक ही लाइन में, तो तीनों का एरिया क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए उस लाइन का। अगला सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल ए, अब देखिए यहां पर ए बी सी दिया है, अब आपको पता है सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, देखिए सब उसी पे सवाल है और सब पूछे गए सवाल है, ठीक है। पहले मैं आपको सारी चीजें क्लियर कराए दे रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ये एक रिविजन टाइप का क्लास है, इसलिए मैंने बहुत पूरी चीजें इंक्लूड नहीं की है इंट्रोडक्शन में, बस उन चीजों को इंक्लूड किया जिनको मिक्स करके सवाल बना दिए जाते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिए सेंट्रॉइड निकालना बहुत आसान है, देखो दो पांच सात और दो नौ, नौ बटे तीन यानी तीन, तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, ठीक। अब एक और चेक करो, माइनस तीन, ठीक है, और माइनस तीन छह माइनस का और ये माइनस नौ बटे तीन, तो माइनस तीन आ रहा है, तो आप देखिए यहां पर तो नहीं है, यही ऑप्शन करेक्ट होगा। तीसरा वाला भी आप चेक कर सकते हैं, तीन माइनस चार माइनस एक माइनस माइनस तीन, यानी आपका क्लियरली ऑप्शन बी मैच कर रहा है, क्लियर हुआ। तो ओरली आप कर सकते हैं इस सवाल को, देखिए 2019 में पूछा गया स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल, सबसे इजी बात पता है क्या है, जो फर्स्ट वाला होता है साल के शुरुआत में एग्जाम होता है वो इजी होता है, लाइक दिस ईयर। अगला सवाल, अब इस सवाल को आप बहुत ध्यान से करेंगे क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा सवाल लगा है, क्यों, क्योंकि ये आपके दिमाग को देखेगा कि कितना आपको आता है। देखिए द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हेन द पोर्शन ऑफ द इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस का मतलब है ये दो जो अक्षांश है उन्हीं के बीच में इंटरसेप्ट किया है, और ये डिवाइड किया है, डिवाइड बाय द पॉइंट, ये इस पॉइंट को जो कि है 2, 3, इसको डिवाइड किया है किस रेशियो में, 3:2। अब 3:2 में डिवाइड किया है, आपको ये नहीं पता है कि ये 3 है कि ये 2 है, तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको 3 मानेंगे और इसको 2, और एक बार इसको 3 मानेंगे और इसको 2। तो आप खुद सोचिए, ये x अक्षांश है, x अक्षांश पे इंटरसेप्ट करता है, इसका मतलब है y वाला कौन है, 0, तो हम मान लेते हैं कि a है, ठीक। और ये वाले में क्या होगा पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा भाई, ये 0, x अक्षांश 0 हो जाए, कॉमा b, बस यहां पर आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाना है क्योंकि ये आपका क्वाड्रेंट्स मिले। देखिए सेक्शन फॉर्मूला आपका लगेगा क्या कहेगा, देखिए यहां पे टू, चलिए देखते हैं 2, 3, ठीक है। तो अब यहां पे सेक्शन फॉर्मूला क्या लगेगा, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, ठीक है। तो मान लीजिए x1 x2 जिसको भी मानना है आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो हम इसको मानते हैं x1, इसको मानते हैं y1, और इसको मानते हैं x2, इसको मानते हैं y2। देखिए यहां पे m x2 यानी m कितना है भाई, 2 कितना हो जाएगा भाई a, ठीक है, और आपका अब nx1 अगर आप देखें तो 0 है, पांच, ठीक। तो यहां पर आप देखें तो ये क्या हो रहा है, एम वाई टू 0 हो जाएगा प्लस एन वाई वन, एन वाई वन आपका क्या है, बी है,
बी और एन कितना है 3 डिवाइड बाय 5, तो ये 2a बाय 5 कॉमा 3b बाय 5 आपके कोऑर्डिनेट्स मिले और ये इक्विवेलेंट होंगे किसके 2, 3 के। पुट करिए तो a की वैल्यू आपको यहां से मिल रही होगी 5, b की वैल्यू आपको मिल रही होगी 5, ये भी आप मिल सकता है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी भाई, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, यानी x अपॉन 5 प्लस y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1, यानी x प्लस y इज इक्वल टू 5। अब यहां पे जरा गौर से देखिए, x प्लस y अगर 5 है तो आपके दो ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं यहां पर, ठीक है, तो आइदर दिस वन विल बी आंसर और दिस। अब हम चेक करेंगे दूसरे मेथड से, ठीक है, यानी अब हम चेक करेंगे क्या इस अनुपात को उलट करके, बस उलट दीजिए और कुछ नहीं करना है। अब हम मान लेते हैं 3 और 2, ठीक, तो m हो गया 3, n हो गया 2। अब देखो m x 2 तो 3a और ये तो अपने आप 0 हो जाएगा डिवाइड बाय 5, और यहां पर जरा गौर से देखिए my2 0 हो रहा है तो n x 1, n कितना है भाई 2, 2b बाय 5। अब देखिए यहां पे तो 3a बाय 5 इज इक्वल टू 3 के 2 के इक्वल करोगे तो आपका आएगा a बराबर आएगा 10/3, b बराबर आएगा आपका 15/2 मेरे ख्याल से, ठीक है, 15/2। पुट करिए वैल्यू, अब यहां पे आप पुट करेंगे इसी इक्वेशन में, तो देखिए x अपॉन 10/3 प्लस y अपॉन 15/2 इज इक्वल टू 1। बस सॉल्व करना है, इसे आसान है, इजीली देखिए 30 से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपका इजी हो जाएगा, यहां पे 9x प्लस अभी यहां पे 4y इज इक्वल टू आपका 30 आएगा, दैट्स योर करेक्ट आंसर। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो रहा है इस तरीके से, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके सॉरी जस्ट अ मिनट, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन डी है करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट है, मैंने जल्दी में लगाया, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से सीखते रहिए, कोई गड़बड़ नहीं होने वाली है। अब ये सवाल देखिए, ये सवाल आप दिया इतना बड़ा है कि आप परेशान हो जाएंगे, पर हमें यहां पे बताना है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में क्या करेक्ट है। देखिए कह रहा है इफ द लाइन सेगमेंट ऑफ जॉइनिंग टू पॉइंट्स दिस सबटेंज एन एंगल, ठीक है, एट द ओरिजिन, इसका मतलब है यहां पे ओरिजिन से कोई एंगल बना रहा है, ठीक है, ओके, तो वो एंगल क्या होगा। देखिए ये फॉर्मूला जो है आपका ऑलमोस्ट सही है, अगर यहां पे प्लस होता तो ये तो आपका स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक। अब स्टेटमेंट 2 देखें तो ये आपका कोसाइन रूल है, और आपको पता है अगर हम कॉस ए की वैल्यू निकालें तो यह आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, जो कि बिल्कुल ही करेक्ट है। तो आप बोल सकते हैं स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, यानी ऑप्शन डी। इतना बड़ा सवाल मुंह जबानी कर सकते हैं, सिर्फ फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो देखिए यहां पे इस तरीके का मैंने सवाल चूज किया है कि फॉर्मूले भी याद हो गए आपको, और ये बात ध्यान में रखिए कि ये सेकंड पेपर में यानी सेकंड साल के अंत में ये पेपर हुआ था, तो ज्यादा टेढ़ा क्वेश्चन मुझे ये दिख रहा है। इस सवाल को देखते हैं, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y प्लस 1 एक लाइन है, इसी के पैरेलल दूसरी लाइन जा रही है, एक बात बताओ इन दोनों का एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना, हमें कांस्टेंट से मतलब नहीं है, कांस्टेंट का मतलब है कितनी डिस्टेंस तक गई है, और ये पास हो रही है किससे, 1-1, 2 से। तो एक बात बताओ अगर ये आप सपोज करिए ये लाइन ये है, तो क्या यही लाइन सेम नहीं होगी, बस कांस्टेंट का हमें नहीं पता है तो हम के मान लेते हैं, यही तो होता है ना, ax plus by plus k को हम मानते हैं, और a क्योंकि हमें पता है a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 होता है इसके अंदर, क्यों तो हम यहां पर रख देंगे 2 और 3 as it is, ठीक, पैरेलल लाइन का यही होता है, और परपेंडिकुलर में क्या होता है साइन के साथ ये पलट जाते हैं, क्योंकि m1 और m2 का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए, ठीक है, ये परपेंडिकुलर का है, ये बात ध्यान में रखिए, और इधर क्या है m1 is equal to m2 पैरेलल का स्लोप बराबर, ऑलराइट, तो ये हमें लाइन मिली। अब हम क्या करेंगे, इसे पास करा देंगे -1, 2 से, तो देखिए -2
प्लस सिक्स प्लस के इज इक्वल टू जीरो, यानी के इज इक्वल टू माइनस फोर। बस इसके अंदर पुट कर दो माइनस फोर ऑप्शन जिसमें हो आंसर भैया। खत्म कहानी, इतना आसान सवाल पूछता है स्ट्रेट लाइन में, ये बात ध्यान में रखिए भैया। आप खुद सोचिए ये दोनों कभी मिलेंगे नहीं आपस में, और परपेंडिकुलर मिलेंगे तो किस एंगल पे मिलेंगे, 90 डिग्री पे। सिंपल। अगला सवाल सेंट्रोइड का सवाल है, और ये कह रहा है कि ये तीन मिलकर ये सेंट्रोइड बनाते हैं। तो भाई इस बार तो कोई दिक्कत नहीं, 7 + y + 9 / 3 = 6, यहां से y की वैल्यू मिल जाएगी और x माइनस सिक्स, ठीक है, x माइनस सिक्स प्लस 10 / 3 = 3, यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्व कर लीजिएगा आंसर आ जाएगा, मैं इसको सॉल्व करने नहीं जा रहा हूं, फॉर्मूला पता है सेंट्रोइड का आपको। अगला सवाल, ये अच्छा सवाल है, मुझे काफी अच्छा लगा, चलिए इसे ध्यान से पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट। ओके, अब देखिए यहां पे तीन लाइन का आप घबरा जाएंगे, तो चलिए मैं फिर से पढ़ देता हूं। तो जब कभी भी इस तरीके का सवाल आए आप धीरे पढ़ेंगे। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। अच्छा ये देखो, ये दोनों जो है ना इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है और ये इसी से पास कर रहा है। ये लाइन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और ये लाइन है 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 17 एंड इज परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट लाइन, और ये भाई साहब परपेंडिकुलर भी है। तो हमें उस इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन चाहिए भाई, तो सबसे पहले हम ये बिंदु निकाल लेते हैं, ठीक है, ये पॉइंट निकालते हैं। चलिए देखते हैं क्या होंगे वो पॉइंट। तो हम कुछ नहीं करेंगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 17, हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 ये 6 और ये 15, ठीक है। अब देखिए यहां पे ये एलिमिनेट हुआ, ये माइनस y आया, ये माइनस 2 आया, तो y की वैल्यू 2 आ गई। पुट दैट द वैल्यू ऑफ हेयर, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो बहुत तेजी से हमने x और y की वैल्यू निकाली। अब हमें पता है ये परपेंडिकुलर है, तो क्या हम परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगाएंगे, चलिए देखते हैं। देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दें उस लाइन पे, बिल्कुल मत करिएगा। उसका रीजन है क्योंकि ये लाइन पास हो रही है, ये नहीं कि इस बिंदु से यहां तक की दूरी आपसे पूछा है, ये बात बहुत ध्यान से समझिएगा। इस पॉइंट से इस डिस्टेंस का फॉर्मूला अलग है और ये लाइन पासिंग होने का फॉर्मूला अलग है। ये लाइन जब दो एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती है तो फॉर्मूला होता है दोनों स्लोप का प्रोडक्ट का माइनस 1। तो अब आप इस लाइन का प्रोडक्ट देखें, अगर तो ये हम देखें 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, यही है ना। तो अब यहां पे देखिए y इज इक्वल टू माइनस 3/4 प्लस 10/4। तो अब यहां पे देखिए जो आपका m1 आ रहा है वो माइनस 3/4 है, जाहिर सी बात है जो m2 होना चाहिए वो 4/3 होना चाहिए, तभी दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, माइनस 1। तो अब हम क्या करें इक्वेशन निकालने के लिए, तो हमने जब ये इनके पॉइंट्स निकाल लिए तो हमें दिक्कत नहीं होने वाली है। मान लेते हैं भाई, आप एक बात बताइए, आप इक्वेशन निकालना जानते हैं ना, क्या होता है इक्वेशन ऑफ लाइन, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, यही होता है। m आपका कौन है, m2 होगा इस बार, क्योंकि जिस लाइन का स्लोप निकाल रहे हैं उस जिस लाइन की इक्वेशन निकाल, जिस स्लोप के लिए हम लाइन निकालने जा रहे हैं इक्वेशन, ठीक है, तो उसका स्लोप लेंगे ना। तो देखिए वाई माइनस वाई वन, वाई वन कौन है, 2, m कितना है 4/3, x 1 कितना है 1, 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 4x माइनस 4, तो 4x माइनस 3y और यहां पर हो जाएगा प्लस 2। देखिए यहां पे 4x माइनस 3y प्लस 2, डी ऑप्शन करेक्ट है, दैट्स द क्विकेस्ट आंसर। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था, क्यों, क्योंकि इसमें आप उलझ सकते थे, इसलिए मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया। दिमाग खुला रखिएगा, यहां पर आपको हिडन ट्रुथ है, यहां पर हिडन रहेगा, क्योंकि आप 3/4 माइनस में निकाल चुके हैं, तो ये 4/3 होगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर दबा के करिए इस सवाल को। देखिए अब ये सवाल आप ओरली कर सकते हो, ठीक है, देखिए यहां पे इफ ए कॉमा बी इज एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन 8x, अच्छा ये लाइन है 8x, अब ये फॉर्मूला लगेगा वहां पे, देखते हैं कौन सा।
और ये जो है a कॉमा b यूनिट डिस्टेंस, यूनिट मतलब एक। अब मैं आपको बताता हूं फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, यहां पे x कॉमा वाई से पास होगा, यहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है ये वन के इक्वल होगा, चलिए हम यहां पे a और b से पास करा देते हैं। मैं यहां पे जरा गौर से देखिए, जब आप इससे पास कराएंगे इस लाइन पे तो क्या बनेगा भाई, देखिए यहां पे, हाँ तो x की जगह पर हम रखेंगे, ठीक है, x की जगह पर हम रखेंगे a और y की जगह पे हम रखेंगे b। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, यहां पे a b, आप सोचेंगे यहां पे भी a b, नहीं a b ये वाला लिया जाएगा, ये इक्वेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो देखिए यहां पे ये हो जाएगा 6b प्लस 1 डिवाइडेड बाय, अब देखिए ये 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 100 यानी 10, यानी अब यहां पर देखिए ये मॉडुलस में, तो दो इक्वेशन बनेगी, 8a प्लस 6b प्लस 1 इज इक्वल टू 10, तो 8a प्लस 6b माइनस 9, और अगर आप इसे प्लस की जगह पे माइनस रखें तो ये हो जाएगा 11। तो आपका ये क्वेश्चन करेक्ट है और ये क्वेश्चन करेक्ट है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। चलिए इस सवाल की तरफ देखते हैं, ये सवाल बहुत ही बेहतरीन है, मेरे ख्याल से अब तक का सबसे बेहतरीन सवाल। इस सवाल को बहुत ठंडे दिमाग से पढ़िएगा वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए कह रहा है ए और बी दो पॉइंट है और एक पी एक और पॉइंट है, सच दैट पी ए और पी बी बराबर, इसका मतलब है ये ए है, ये बी है और ये पी है, ठीक है। सपोज करो ये पी पॉइंट से ए की दूरी, पी पॉइंट से बी की दूरी, ये बराबर है, ठीक है। तो ए है आपका 3.4, बी है आपका 5.-2 और इसे हम मानते हैं हमेशा की तरह x कॉमन वाई। अब यहां पे जरा गौर देखिए, आप फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये, हाँ क्योंकि कंडीशन क्या है, पी ए इज इक्वल टू पी बी, ठीक है, तो हम दोनों डिस्टेंस को इक्वल कर देंगे, ये आपका हो जाएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए यहां पे स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर, देखिए x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखो x स्क्वायर प्लस 6 सॉरी प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस y स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y। देखो अब यहां पे जो एलिमिनेट हो रहा है उसे एलिमिनेट कर दो, हालांकि मुझे लिखना नहीं चाहिए था, मुझे यहां साफ साफ दिख रहा था, ठीक है, x स्क्वायर y स्क्वायर y स्क्वायर। अब x को एक साथ कर लो, y को एक साथ कर लो, आसानी से काम बन जाएगा, देखो ये 10 उधर जाएगा 4x हो जाएगा, ठीक है, प्लस का और यहां पर आपका माइनस का 12y होगा। अब जरा गौर से देखो, ये 4 और 25 हो गया 29 और 16 और 9 हो गया 25, तो देखो 25 का तो किस्सा खत्म, ठीक है, इज इक्वल टू 4, ठीक है, यहां पे इजीली आप समझ जाइए, तो यहां का हो जाएगा 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम यहां पर हमें पता है कि PAB एक ट्रायंगल अगर हम बना दें, इसको जोड़ दें, तो हमारा जो एरिया है वो 10 स्क्वायर यूनिट है। अब आपको तीन पॉइंट्स पता है, उठाइए और लगा दीजिए, काम बन जाएगा, देखिए कैसे, 3 x y 1, ठीक है, और 3 4 1 और 5 -2 1, और ये होगा आपका प्लस माइनस 10 एरिया, ठीक, बस इसे सॉल्व कर डालना है। इक्वेशन व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक करेक्शन कर लीजिए, यहां पे 1/2 होगा, ओके। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है, जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा और आपके सामने इक्वेशन आ जाएगा। तो यहां पर होगा क्या, चलिए अब रफ करते हैं, देखिए काफी अच्छा सवाल है, तो ये आपको हो सकता है लेंदी लग रहा हो, लेकिन इस तरीके के सवाल आपके सेकंड स्लॉट में पूछे जाते हैं, मैंने जानबूझ के रखे हैं ताकि आपको क्लियर होता जाए, ठीक है।
डायग्राम नहीं मिटाऊंगा। देखिए अब यहाँ पे एक बार आप प्लस रखेंगे एक बार माइनस, तो देखिए एक्स चार माइनस चार प्लस दो और माइनस वाई और तीन माइनस पांच और प्लस वन माइनस छ माइनस बीस इज इक्वल टू कितना प्लस ट्वेंटी। एक बार प्लस रखिए तो अब हम यहां पे देखते हैं फोर एक्स सॉरी सिक्स एक्स प्लस टू वाई और माइनस ट्वेंटी सिक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी। तो सिक्स एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू फोर्टी सिक्स। एक इक्वेशन ये सपोज करिए अगर आप ये प्लस ना रख के माइनस रखते, ठीक है, अगर ये माइनस रखते तो सब कुछ वही रहता, बस कंडीशन यहां पे बदल जाती और सिक्स एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू सिक्स हो जाता। तो ये इक्वेशन टू और ये इक्वेशन थ्री, और पहली इक्वेशन आपकी क्या थी एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू वन। इन दोनों को सॉल्व करिए, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन को, तो आपको एक पॉइंट मिलेंगे, दूसरी और तीसरी को सॉल्व करेंगे तो एक पॉइंट मिलेंगे। ओके, तो यहां पर जो आपका आंसर आएगा वो इस तरीके से आएगा। तो जब आप पहली और दूसरी को सॉल्व करेंगे तो आपके मेरे ख्याल से कुछ कोऑर्डिनेट्स आएंगे, ये दो कोऑर्डिनेट्स आपके क्या हैं आएंगे सॉल्व करने पे, फर्स्ट टू और फर्स्ट और थ्री को सॉल्व करने पे। तो इसको आपको सॉल्व करना आपका काम है, मैंने काम था ऑप्शन बताना कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए हम यहीं तक रखते हैं, जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है, ये पहला ही शॉट था 2D का, अभी यहाँ पे सर्किल भी है, अभी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो वी विल डिस्कस एवरीथिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस और ज्वाइन कर लीजिए इस यूट्यूब चैनल को, क्योंकि हम बहुत जल्दी सरप्राइज एलिमेंट लेकर आ रहे हैं। हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अगर आप ये याद नहीं रखेंगे तो कभी कभी हो सकता है हम लोग का टाइमिंग गड़बड़ा जाता है, बट मोस्टली 6 बजे मैथ्स का रहेगा, ये आप पक्का है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। 6 पीएम एवरी डे, और टेलीग्राम चैनल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में धमाकेदार सवालों के साथ। जय हिंद।